तुम हो। होनी को कौन टाल सकता है? हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्पाइडरमैन नो वे होम एक ऐसी मूवी जिसमें कि लोगों को उम्मीद नहीं थी और इस मूवी में हमें वो देखने को मिला। पर मार्वल फैन जब एंडिंग तक बैठे रहे थे तो उनको एक और चीज देखने को मिली, वो थी डॉक्टर स्ट्रेंज विल बी रिटर्न। और हमें देखने को क्या मिला एंडिंग में, एक बेहतरीन काफी कमाल का टीजर जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की हर एक चीज को रिवील करता है और हमें मल्टीवर्स से इंट्रोडक्शन कराता है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस में आपको काफी सारे कैमियोस, प्लॉट होल और काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आपने सोची नहीं होगी। जी हाँ, और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस से रिलेटेड काफी सारे कमाल के अपडेट के बारे में और बात करेंगे इस मूवी की एक्चुअल में रनिंग टाइमिंग के बारे में कि कितनी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट्स के बारे में जो कि है न्यू लुक के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का लुक रिवील करा गया है जो कि बहुत ही कमाल का है, और देन कॉस्ट्यूम बिल्कुल सिमिलर है प्रीवियस मूवी से। देन अगर बात करी जाए दूसरे लुक के बारे में जो कि है अमेरिका चेविस जो कि न्यू कैरेक्टर है, इंट्रोडक्शन इस मूवी में हमें कराया जा रहा है। ये स्टार पोर्टल ओपन करके कहीं भी आ जा सकती हैं। देन हमें दूसरा वेरिएंट देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज का, तो इनका भी लुक रिलीज कर दिया गया एकदम बिल्कुल क्लियर जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है और कॉस्ट्यूम तो जबरदस्त। देन उसी के साथ वॉन्ग का भी रिलीज करा गया है, पर ये प्रीवियस मूवी से इस बार इनका कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा चेंज है और बाल ज्यादा ग्रो दिख रहे हैं। देन उसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज वन के बाद हमें दोबारा से देखने को मिलेंगे मोडो, तो उनका भी लुक हेयर स्टाइल काफी ज्यादा चेंज कर दिया और बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है। अब बात करते हैं टॉयज के बारे में, तो फाइनली प्रमोशन की बात करी जा रही है, तो भाई टॉयज कैसे नहीं रिलीज होंगे। तो लेजेंडरी फिगर ऑफिशियली रिलीज कर दिए गए जिसमें कि आप सभी के कैरेक्टर के लुक देख सकते हैं जो कि अभी हाल ही में हमने देखे थे। देन उसी के साथ लीगो कंपनी कैसे पीछे रह सकती है, तो लीगो ने भी ऑफिशियली फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया था इसका जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है और सभी कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और देन उसी के साथ हैशग्रो कंपनी ने भी इन्हीं फिगर्स लॉन्च कर दिए थे स्कारलेट के और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है, पर इसमें कॉस्ट्यूम और डिफरेंट वेरियंट देखने को मिला है। देन उसी के साथ स्पेल सील्ड भी रिवील्ड कर दी गई है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज यूज करेंगे बड़े लेवल पर, तो ये भी एक स्पेशल लॉन्च करा गया है। और देन बात करी जाए कि स्कारलेट का अभी तक क्यों नहीं आया, तो स्कारलेट का ये सबसे क्लियर कौन सा पार्ट रिलीज करा है जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और देन अगर बात करी जाए डॉक्टर स्ट्रेंज के काफी सारे कौन सा पार्ट के बारे में, तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं आए दिन कुछ ना कुछ रिलीज हो ही रहा है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की अगर विलेन की बात करी जाए जो कि व्हाट इफ में आपने देखा था गैरथॉन्स जो कि बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, और देन इसके काफी सारे हाथ पैर भी हैं, तो ये भी कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। और बात करी जाए आप सबसे बड़े अपडेट के बारे में, तो आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में आपको डॉक्टर स्ट्रेंज के काफी सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे, सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज, डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारा नॉर्मल वाला डॉक्टर स्ट्रेंज। और अगर आपने लोकी सीरीज देखी होगी तो आपको टाइम पोर्टल डोर तो याद ही होगा, ये आपको टाइम पोर्टल डोर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी देखने को मिलेगा। जी हां, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, ट्रेलर में भी आप देख सकते हैं स्कारलेट के पीछे जब वो मैजिकल कर रही होती है तो वो डोर पीछे दिखाई दे रहा है, आप खुद नोटिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैमियोस के अपडेट के बारे में, तो फाइनली रूमर्स के अकॉर्डिंग आपको इनह्यूमंस में से बोल्ट का कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। बोल्ट एक मेंबर है इनह्यूमंस टीम का। देन उसी के साथ दूसरा जो कैमियो देखने को मिल सकता है पॉसिबिलिटीज है इसकी शेंगची की, आपने देखा होगा वोंग इनको लेके आते हैं पर शेंगची के जो ओरिजिनल कास्ट है उन्होंने डिनाई कर दिया। देन अगर आप बात करें रूमर्स के बारे में, तो फैंटास्टिक देखने को मिल सकते हैं आपको मिस्टर फैंटास्टिक जो कि फैंटास्टिक 4 मूवी से ही आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके साथ व्हाट इफ से देखने को मिल सकती हैं आपको एजेंट कार्टर, जी हाँ एक लाइव एक्शन वर्जन आपको देखने को मिलेगा पर रूमर चल रहा है वो भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। देन उसके साथ आपको एक्समैन मूवी से देखने को मिल सकते हैं मैग्नेटो, जी हाँ आप जो एक्चुअल में इमेजेस देख रहे हैं वही कैरेक्टर आपको सेम कॉस्ट्यूम में दिखाई देने वाले हैं, इसलिए मैंने ये इमेजेस यूज करी हैं। और बात करी जाए अगर डेडपुल मूवी की, तो आपको डेडपुल देखने को मिल सकते हैं इस मूवी में, जी हाँ आपको थोड़ा सरप्राइज लग रहा होगा पर ये सब ही के रूमर चल रहे हैं तगड़े। और बात करी जाए लोकी सीरीज से आपको लोकी देखने को मिलेंगे, जी हाँ, और देन ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग थी लोकी में, आप सभी जानते ही हैं वांडाविजन हो गई लोकी हो गई। देन इसके साथ एक्समैन मूवी से आपको प्रोफेसर एक्स देखने को मिलेंगे और यही कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। देन उसी के साथ सेकंड कैरेक्टर जो आपको लोकी सीरीज से देखने को मिलेगा वो बस स्लेव, तो ये भी रूमर है, सभी कैरेक्टर के जितने के मैंने नाम बताया वो सब रूमर्स हैं। और आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी से आपको देखने को मिल सकती है एशियन 1, जी हाँ ये कैरेक्टर ऑलरेडी डाई हो चुके हैं, कई बार हमें देखने को मिल चुके हैं एवेंजर्स एंडगेम में भी, फिर भी आपको ये इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं। लास्ट में विली और टॉमी भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस मूवी में। ओवरऑल
कुछ कैरेक्टर के रूमर्स चल रहे हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलिए बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स की मैडनेस की एक्चुअल में रनिंग टाइमिंग कितनी होगी, क्योंकि यार इतने सारे कैमियोज हैं, इतने सारे प्लॉट होल हैं, फिर पोस्ट क्रेडिट सीन भी होगा, तो मूवी की लेंथ तो गारंटेड लंबी होगी। तो मूवी एक्चुअल में 3 घंटे से ज़्यादा की बनी है, और जो फाइनल कट और जो डायरेक्टर कट होगा उस सबको अगर हटा दिया जाए और एक थिएटर रनिंग टाइमिंग की बात करी जाए, तो पर्सनल माय ओपिनियन कि ये मूवी आपको 2 घंटे 30 मिनट या 2 घंटे 50 मिनट के मिड में देखने को मिलेगी। पर कुछ अपडेट ऐसी आई है कि मूवी आपको 3 घंटे से ज़्यादा की देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो पूरा कट है वो 3 घंटे से ज़्यादा का है मोर देन। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस की जो रनिंग टाइमिंग है वो कितनी की देखने की मिलेगी, 3 घंटे से ज़्यादा की या 2 घंटे 30 मिनट की या 2 घंटे 50 मिनट की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।